स्वामी प्रसाद मौर्य ये ऐसे नेता हैं जो राजनीतिक स्वार्थ के लिए कब किस पार्टी में चले जाएं इसकी कोई गारंटी नहीं। यूपी विधानसभा चुनाव 2022 से पहले मौर्य बीजेपी में मंत्री थे। विधानसभा चुनाव आते ही उन्होंने सपा का दामन थाम लिया और उससे भी पहले वो बसपा में भी रह चुके हैं। मतलब ये कि समय समय पर इनकी पार्टी बदलती रहती है। ऐसे में यही कहा जा सकता है कि ऐसे नेता पार्टी के हिसाब से अपनी विचारधारा बदल लेते हैं, ना कि अपनी विचारधारा के हिसाब से पार्टी। कुल मिलाकर ऐसे नेताओं के लिए उनका स्वार्थ ही सर्वोपरि होता है। आपको पता ही होगा कि मौर्य ने हाल ही में रामचरितमानस पर विवादित बयान दिया था और इसे बकवास ग्रंथ बता दिया था। हालांकि जब तक बीजेपी में थे तब तक इन्हें रामचरितमानस में कुछ भी खामियां नजर नहीं आई थी, लेकिन जैसे ही पाला बदला तो अचानक इन्हें राजनीति करने के लिए रामचरितमानस मिल गया और विवादित बयान देकर सनातनियों की आस्था को ठेस पहुंचाया। और हद तो ये है कि मौर्य अभी भी ऐसे बयानों से बाज नहीं आ रहे हैं और एक बार फिर से मौर्य ने रामचरितमानस पर बयान दे दिया है। हाँ, इतना जरूर है कि इस बार मौर्य को लोगों ने भी जमकर क्लास लगाई है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक बार फिर से रामचरितमानस पर बोलते हुए कह दिया है कि रामचरितमानस का पाठ करने की मांग करने वाले लोग महिलाओं, दलितों और पिछड़ों के विरोधी हैं। अब पूरे देश में लोगों ने अपने आप रामचरितमानस का पाठ कराना बंद कर दिया, इसलिए सरकार अपने खर्चे से मानस की पाठ कराने पर मजबूर हो रही है। सुनिए स्वामी प्रसाद मौर्य ने क्या कुछ कहा। पूरे देश में लोग अपने आप रामचरितमानस का पाठ कराना बंद कर दिया, इसलिए सरकार अपने खर्चे से रामचरितमानस का पाठ कराने के लिए मजबूर हो रही है। और जो रामचरितमानस का पाठ पढ़ाने की बात कर रहे हैं वो इस देश की महिलाओं, आदिवासियों, दलितों और पिछड़ों के सम्मान के दुश्मन हैं। किसी भी पंथ निरपेक्ष, धर्म निरपेक्ष, लोकतांत्रिक सरकार को एक धर्म विशेष को बढ़ावा देना संविधान के निर्देशों का उल्लंघन है। सुना आपने स्वामी प्रसाद मौर्य का कहना है कि पूरे देश में लोगों ने अपने आप रामचरितमानस का पाठ कराना बंद कर दिया है। आपको बता दें कि मौर्य इस बयान को खुद अपने ट्विटर हैंडल पर शेयर किया है, जिसके बाद लोगों ने भी जमकर कमेंट्स किए हैं। अर्पित आलोक मिश्र नाम के यूजर ने कमेंट किया, कहां से रिपोर्ट मिली आपको कि देश में रामचरितमानस का पाठ बंद हो गया है? खुद को सिद्ध करने में कितना झूठ बोलेंगे नेताजी। एक यूजर ने लिखा, स्वामी प्रसाद मौर्य जी आप सपा को डुबा देंगे या मेरा वादा है, और भी मुद्दे हैं चुनाव लड़ने के लिए, अपने ग्रंथ पर गलत आलोचना करना बंद करो और मैं पुनः निवेदन राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी से करूंगा, इन पर अंकुश लगाएं, स्वामी प्रसाद मौर्य जी अब तो ठहर जाओ। अखिलेश नाम के यूजर ने लिखा, मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से निवेदन करता हूं कि इस पर अंकुश लगाइए, समाजवादी पार्टी को डुबाने में सबसे बड़ा सहयोग इन्हीं का रहेगा, धर्म के नाम पर गलत आलोचना करना ठीक नहीं है, राजनीति के और भी मुद्दे हैं, इस पर गंभीरता से विचार करें अध्यक्ष जी। एक यूजर ने अखिलेश यादव के एक पुराने ट्वीट को शेयर करते हुए लिखा, कब तक दोहरे मापदंड अपनाए जाएंगे, एक तरफ इनका नेता जातिवादी मानसिकता फैला रहा है और अखिलेश यादव रामचरितमानस का समर्थन कर रहे हैं। हमारे स्कूल में कहावत कही थी हमारे टीचर ने, या तो चना चबा लो या शहनाई बजा लो, ये आज अखिलेश जी के लिए बिल्कुल सही बैठती है। एक और यूजर ने लिखा, मौर्य जी आपसे निवेदन है कि आप किसी भी धर्म के खिलाफ ना बोले, बड़े भैया अखिलेश जी के लिए सही रहेगा, क्योंकि भैया जी को अपनी पार्टी का विस्तार करना है, केवल एक धर्म जाति से पार्टी चुनाव नहीं जीत सकती, चुनाव जीतने के लिए हर धर्म जाति की जरूरत होती है, भैया काम की बात करते। तो इस तरह से लोग सोशल मीडिया पर कमेंट्स कर रहे हैं। आपको बता दें कि रामचरितमानस पर बैन लगाने की मांग कर चुके स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान पर खूब विवाद हुआ था। इस विवाद के चलते समाजवादी पार्टी के नेताओं की भी राय बटी हुई दिखाई दी थी। सोशल मीडिया पर कई सपा नेताओं ने स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान का विरोध किया था, जिसके बाद सपा ने दो नेताओं रोली तिवारी और ऋचा सिंह पर कार्रवाई कर पार्टी से निष्कासित कर दिया था। वहीं एक बार फिर से मौर्य ने रामचरितमानस पर बयान दे दिया है।
आखिर में आप मौर्या के पूरे बयान को एक बार फिर से सुनिए और कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिए। एक लाख रुपए भी भेजे हैं क्योंकि आप पूरे देश में लोग अपने आप रामचरित मानस का पाठ कराना बंद कर दिया, इसलिए सरकार अपने खर्चे से रामचरित मानस का पाठ कराने के लिए मजबूर हो रही है। और जो रामचरित मानस का पाठ पढ़ाने की बात कर रहे हैं वो इस देश की महिलाओं, आदिवासियों, दलितों और पिछड़ों के सम्मान के दुश्मन हैं। किसी भी पंथ निरपेक्ष, धर्म निरपेक्ष, लोकतांत्रिक सरकार को एक धर्म विशेष को बढ़ावा देना संविधान के निर्देशों का उल्लंघन है। हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, एक ही धर्म को बढ़ावा क्यों? सरकार सबकी है, अगर सरकार को बढ़ावा देना ही है तो सभी धर्मों को समान रूप से बढ़ावा देने के लिए अपने सरकारी कोष से धन देने का काम करे, उसका हम स्वागत करेंगे। लेकिन आज जो पूरे दुनिया में विवादित महाकाव्य तुलसीदास की रामचरित मानस, जिसमें इस देश की महिलाओं को प्रताड़ित करने, शूद्र समाज को अपमानित और प्रताड़ित करने, शूद्र समाज की तमाम जातियों को जात सूचक शब्दों का प्रयोग कर नीच और अधम कहने का काम करती है, उसका पाठ कराने का मतलब है ये सरकार देश के महिलाओं, आदिवासियों, दलितों और पिछड़ों को अपमानित करने की पक्षधर है, इनके सम्मान की दुश्मन है, इसीलिए इसको बढ़ावा देने के लिए सरकारी खजाना सरकार ने खोल देना संविधान के निर्देशों का उल्लंघन है। हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, एक ही धर्म को बढ़ावा क्यों? सरकार सबकी है, अगर सरकार को बढ़ावा देना ही है तो सभी धर्मों को समान रूप से बढ़ावा देने के लिए अपने सरकारी कोष से धन देने का काम करे, उसका हम स्वागत करेंगे।